सरकार लाख दावे कर रही है लेकिन अभी भी प्रवासी मजदूरों का दुख दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन हजारों की संख्या में लोग पैदल भुसावल, दिल्ली, केरल, कर्नाटक से बिहार पहुंच रहे हैं। हम इस समय मौजूद हैं पटना के बाईपास में। हम आपको वो नज़ारा दिखाना चाहेंगे, देखिए किस तरीके का नज़ारा है। ये सभी लोग देखिए क्या हालत है इनकी, गर्मी से परेशान है और ये लोग पहुँचे हैं और इन लोगों के जाने के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। ये लोग लगातार परेशान हैं और इन लोगों का कहना है कि हालात ऐसे हैं कि आखिर जाएँ तो कहाँ जाएँ। किस तरीके के हालात हैं इन लोगों के सामने, क्या दुख दर्द वाली बात है। कहाँ से आ रहे हैं? मुंबई से। कहाँ से? मुंबई। कहाँ जाना? पैदल नहीं, ट्रक से। कहाँ जाना है? जाना है सासाराम। कोई सवारी मिल रही है? नहीं मिल रही। आप कहाँ से आ रहे हैं? दरभंगा से। दरभंगा से कहाँ जाना है? अरवल जाना है। पैदल हो? नहीं सर, स्कॉर्पियो से आए थे पटना तक और यहाँ से भी गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। देखिए अपना खाना, परेशानी बहुत थी। क्या क्या परेशानी थी? बाहर नहीं निकल रहा था। अच्छा, तो फिर खाते कैसे थे? कैसे खाते थे? 8 बजे सुबह में राशन खुलता था दुकान, वहाँ से लेते राशन, उसके बाद 10 बजे बंद होता था। अच्छा, काम धंधा? काम धंधा तो बंद है। पैसे वगैरह भी खत्म हो गए? कंपनी बंद है, कुछ भी नहीं। कंपनी वालों ने पैसा भी नहीं देता था, पैसा भी नहीं। भुसावल, कर्नाटक और देश के अन्य हिस्सों से ये लोग आ रहे हैं और लगातार परेशान हैं। इन लोगों का कहना है कि आखिर जाएँ तो कहाँ जाएँ। गाड़ियाँ ला रही हैं, कुछ कुछ दूरी पर गाड़ियाँ उनको छोड़ के चली जा रही हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इनके दुख दर्द को समझने वाला कोई नहीं है। फिलहाल ये अभी लोग बाईपास के इलाके में काफ़ी संख्या में मजदूर फंसे हैं और इनका कहना है कि आखिर जाएँ तो कहाँ जाएँ। सरकार दावे बहुत करती है लेकिन इन दावों का क्या। पटना बाईपास से मुर्गू आलम, पटना।